नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। और इसमें है क्या, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। देखिए क्या रहा है, न्यू दिल्ली द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ डिस्क्लोज्ड दैट पोटेंशियल चेंजेस टू द नीट यूजी 2025 एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये कह रहा है कि एनटीए ने डिस्क्लोज़ किया, मतलब उसने बोला है या बता दिया है कि पोटेंशियल चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। ठीक है, तो जो नीट एग्ज़ाम, नीट यूजी 2025 का जो चेंज है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें चेंज होगा। ठीक है, आर करेंटली अंडर रिव्यू बाय ए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी। तो वे कह रहा है कि मतलब हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी समिति गठित की गई है, जो उसके अंडर रिव्यू, मतलब प्रोसेस जो है रिव्यू, मतलब समीक्षा चल रही है। Established on the direction of the Supreme Court of India. तो Supreme Court मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन किया गया है, जो नीट यू जी 2025 एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें पोटेंशियल चेंजेस, मतलब कुछ अत्यधिक चेंजेस करेगी। तो यही इनका कहना है। अब ये कैसे पता लगा है ये भी यहाँ पर बताया गया है। लिखा गया है, दिस इन्फॉर्मेशन वॉज रिवील्ड आफ्टर एन आर टी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फील्ड बाई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे। तो कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से निकल के है या कहाँ से बताया गया है, तो इन्फॉर्मेशन आर टी आई डाला गया था, मतलब आर टी आई का आवेदन दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर विवेक पांडे के द्वारा। ये आर टी आई एक्टिविस्ट है। तो उन्होंने बताया, हु सॉट क्लैरिटी ऑन द डिस्कशन हेल्ड इन जुलाई एंड अगस्त 2024 रिगार्डिंग पॉसिबल अल्टरेशंस टू द नीट 2025 एग्ज़ाम पैटर्न। तो मतलब उन्होंने जुलाई और अगस्त में ही इस पर चर्चा वगैरह कर लिया था, तो उन्होंने मतलब बता ही दिया था कि एग्ज़ाम पैटर्न जो 2025 का है, तो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस होंगे ही। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो जो नीट यूजी 2025 एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजेस होगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की गई, जो समीक्षा कर रही है कि क्या पैटर्न लाया जाए जो नीट एग्ज़ाम का, मतलब नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बायो बूस्ट क्लासेस बीबीसी पाठक ट्यूटोरियल्स ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको नीट से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस समय बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन लेक्चर शुरू है, और पहला टॉपिक हमने शुरू की कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, वो टॉपिक शुरू हो गया। ठीक है, और अभी मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है, मॉक टेस्ट जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।